पिछली बार माइनक्राफ्ट में, पर आज मैंने निश्चित किया है कि मैं द ड्रैगन का खात्मा करके ही रहूंगा, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए मैं द ड्रैगन को आज मार के ही रहूंगा। ये मेरा शब्द है। तो गाइस, हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है, पिक्सू और एंड्रू के पास जो पावरफुल वेपन है वो हमें हासिल करना होगा। 3, 2, 1, एंड्रू की चाबी लगाई और अब आगे। ओ गाइस, यहाँ से कुछ तो खुला, एंड्रू की चाबी से कुछ तो खुला, ये रास्ता खुला। गाइस साहब, जो नीचे पानी नजर आ रहा है, नीचे आयरन भी है, आयरन है। गाइस मैं जाना तो नहीं चाहता क्योंकि ये ट्रैप हो सकता है। क्या मैं पानी में गिर जाऊँ और वो पानी ट्रैप हो और मैं जैसे ही गिरूँ वो सारे के सारे ब्लॉक्स बन जाए? पर नहीं गाइस, वहाँ पे मुझे आयरन ओर्स दिखे हैं, और आपको पता है मैं कितना लालची हूँ, तो मुझे जाना पड़ेगा, जाना। बच गया गाइस, यहाँ पे यहाँ का आयरन ओर्स मिलते पहले। हाँ, ये आयरन ओर्स मेरे हुए। क्या और एक और इसको भी ले लेंगे चलते। देखो यहाँ पे एक चेस्ट है, मिल गया गाइस, मैंने फाइनली ढूंढ लिया एंड्रू और भिक्सु का सीक्रेट वेपन। जल्दी से जाएंगे और चेस्ट से सामान उठाएंगे। चलो गाइस जाते हैं और अपना पावरफुल वेपन उठाते हैं। एक मिनट गाइस, यहाँ पे कुछ तो लिखा है। कैसा लगा मेरा मजा? गाइस हम लोग के साथ प्रैंक हो गया, पिक्सर एंड्रू के साथ प्रैंक खेल कर। मुझे लगा था यहाँ पे कुछ तो होगा, मार मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको हाँ नहीं तो। पर इस चेस्ट में क्या होगा? इस चेस्ट में मुझे कुछ तो रंग बिरंगी कुछ तो सामान दिख रहा है, क्या ट्रैप चेस्ट तो नहीं है? गाइस मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं इस चेस्ट को खोल रहा हूँ, क्या पता इसमें वो शक्तिशाली वेपन। यहाँ पे लिखा था है, मेरा मजाक बन गया है, पर मैंने अभी तक चेस्ट खोली नहीं। 2, 1, अरे यार गाइस, हर एक चेस्ट में लीवर ही क्यों रखा होता है? हर चेस्ट में जब देखो तब लीवर रखा होता है। मुझे अभी ये लीवर किधर यूज करना है वो देखना पड़ेगा। ऊपर तो जाके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि ऊपर आई डोंट थिंक कोई इसी जगह होती, तो यहाँ पे मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ है क्या, मैं देख लेता हूँ। नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे कुछ अंडरग्राउंड देख लिया। पूरी जगह पे ये सैंडस्टोन लगा है सर, ये सैंडस्टोन लगा है, और इसी एक ही जगह पे लगा है ये स्टोन। क्या पता इस दोनों जगह से कुछ निकल जाए। मैं इधर लीवर लगा रहा हूँ और ये थोड़ी जगह देखो अंदर अंदर है, तो मैं एक काम करता हूँ, इधर नहीं, इधर लगा कुछ नहीं हुआ। मैं ये लीवर्स जो है इधर चल जाए, हम लोग इधर लगा के देखते हैं गाइस। 3, 2, 1, लाइक दबाओ, लक के लिए लाइक दबाओ। 3, 2, 1, लॉल लॉल, कुछ नहीं हुआ। मेरी तो किस्मत ही खराब है भाई साहब। अब ये देखो ये गाइस, ये लास्ट होप है मेरी। यहाँ पे कुछ हुआ तो हुआ, या फिर मुझे वो पावरफुल वेपन का बलिदान देना पड़ेगा। तो गाइस 3, 2, 1, आर यू रेडी? 3, 2, 1, इट्स द टाइम टू कॉन्कर दिस वर्ल्ड। और ये बिक्सु और एंड्रू सस्ती वायरिंग करके रखी है यहाँ पे, क्या करे वो मेरे से ही गरीब है। तुम लोग कोई नहीं, हम आगे चलते हैं। और एक और गड्ढा, अरे यार सब सिगरेट बेस का इन्हें गड्ढे में ही बनाने होते हैं क्या? जो देखो वो सब सिगरेट बेस गड्ढे में ही बना के रखता है। और मैं वो वाला ट्रैप तो बच गया था, पर मे बी मैं इधर गिरूं और वापस ये पानी ब्लॉक में बदल जाए, पर मुझे ये रिस्क लेना पड़ेगा गाइस, क्योंकि मुझे एंडर ड्रैगन को हराना है। और मैं इतना पास चुनने के लिए जा रहा हूँ इसको, छोड़ो छोड़ो जल्दी चलते हैं। 3, 2, 1 गाइस, पानी तो नहीं हुआ। सामने देखो गाइस, एंडर चेस्ट है, इसे एंडर चेस्ट ही बोलते ना, इससे ये पर्पल पर्पल कलर के बबूले क्यों निकल रहे हैं? क्या पता क्यों निकल रहे हैं। और एंडर चेस्ट छोड़ो गाइस, यहाँ पे इतने सारे पेड़ क्यों लगा के रखे? बिक्सु और एंड्रू का डेकोरेशन, ये आर्किटेक्चर बन सकते हैं गाइस, ये आर्किटेक्ट बन सकते हैं, बहुत ओपी डेकोरेशन किया है इन लोगों ने। तो गाइस एंडर चेस्ट छोड़ो, यहाँ पे एक एंडर पल लगा हुआ है, इसे हम जल्दी से ले लेता हूँ, क्योंकि एंडर पल मैं मुझे चाहिए ना, मैं इतना भी अंदर आई नो 64 है, पर ये 65 होना भी इम्पोर्टेंट है ना, है कि नहीं? तो गाइस मैं अभी एंडर चेस्ट खोलने वाला हूँ। 3, 2, 1
गाइस फाइनली हमें नेदरराइट एपिक गेमर वेपन मिल गया है। गाइस मेरी तो लॉटरी लग गई, अब तो मैं नाचूंगा। 3 2 1 गाइस अभी मैं एंडर ड्रैगन को ऐसे मतलब देखो देखो ऐसे ऐसे मार सकते हो वेपन से। भाई मुझे ये जो वेपन है नेदरराइट एपिक गेमर वेपन से मुझे टेस्ट भी करना है, पर इसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। और नीचे तो आ गया पर ऊपर कैसे जाऊं मैं? अरे मुझे ऊपर कैसे जाऊं मुझे वो ही नहीं समझ रहा। अभी करूं तो क्या करूं, मुझे एक सीक्रेट पता चला है। ये जो जो एपिक गेमर वेपन है इसे चलाने के लिए मुझे क्रिएटिव मोड में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वेपन है ये सर्वाइवल में चलता नहीं है। ये बहुत खतरनाक है, सर्वाइवल के लिटरली फट जाती है इसे झेलने में, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा क्रिएटिव मोड में। तो गाइस अभी क्रिएटिव मोड में आ ही गए हैं, तो हम लोग ऊपर इजीली जा सकते हैं। और चलते हैं जल्दी से और उनके पास चलते हैं। उड़ने की शक्ति आ गई है, और ये विलेजर्स और आयरन विलेन भी सोच रहे होंगे 2 मिनट पहले तो ये बंदा गरीब था और चल रहा था, अभी अचानक क्या हुआ ये हवा में उड़ने लगा। इनको क्या पता मेरे पास आ गया है एक एपिक वेपन। तो गाइस मैं ये एपिक जो वेपन है इसको मैं ट्राई करने वाला हूँ, नेदरराइट एपिक गेमर वेपन। आई नो गाइस ये कुछ तो ग्लिच है जिससे कि ये वेपन जो नीचे है नीचे से तो ये दिखता है कि फ्रेम में, पर जब मैं इसको उठाता हूँ तो ये नॉर्मल वो बन जाता है। आई डोंट नो ये ग्लिच मेरे कंप्यूटर में क्यों होता है, क्योंकि आपको मालूम है मेरा कंप्यूटर बहुत महंगा गेमिंग पीसी है, तो यू नो मेरे गेमिंग पीसी में चलता नहीं है सर। तो हम लोग ये टेस्ट करने वाले आयरन बोले पे आयरन बोले नीचे तेरा बलिदान देना पड़ेगा। गाइस इस वेपन का अटैक डैमेज तो देखो 17 है, नॉर्मल नेदरराइट की स्वॉर्ड जिसपे शार्पनेस 5 लगा है उसका है 11 और इसका है लिटरली 17। कैन यू सीरियसली बिलीव? तो गाइस मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ इन 3 2 रुक रुक रुक, सूरज ढल रहा है, मैं इसको वापस टेलीपोर्ट करता हूँ वहां पे। तो गाइस मैंने सक्सेसफुली इस सन को वहां पर टेलीपोर्ट कर दिया है और मैं इस वेपन को टेस्ट करने वाला हूँ इन 3 2 1। ओ भाई साहब ये वेपन कितना ओवर पावर है। मैंने एक तीर मारा इससे 100,000 150,000 बो एरो ट्राइडेंट क्या क्या नहीं निकला। देखो गाइस 3 2 1 ओ भाई साहब क्या मस्त नशे है। ये नॉर्मल बो है जिसे निकलता है एक बो, और ये है जिससे निकलता है 150,000। क्या होगा अगर इसे आसपास में मारे, ये मेरे पे आके गिरेंगे गिरेंगे, भागो भागो। गाइस कितनी आप स्लो में देखो इसको, ओ गाइस देखो इसे क्या लाइन से लगे थे। गाइस ये एंड्री और बिक्सू का ये मालक है, और मैं एंड्री और बिक्सू से इतना तगड़ा वेपन मैंने लिया है तो मुझे इन्हें हेल्प करना तो बनता है ना। बेचारे एंड्रू और बिक्सू उन दोनों के पास दो दो वेपन थे, पर उन्हें शायद से एक वेपन भाड़े पे बेचना पड़ा क्योंकि इस विलेज में रह रहे थे। अब तो इस विलेज का आयरन गोलेम रहा नहीं, और ये एक लौता विलेजर है इस विलेज का, तो मैं इसलिए मार दूंगा जब पूरा विलेज एंड्रू और बिक्सू का हो जाएगा। गाइस मुझे एंड्रू को मदद करने को तो बनता है ना एंड्रू और बिक्सू को, इसलिए मैं इस विलेजर को गाइस मुझे ये करना नहीं था पर ये मेरी थी मजबूरी, मैंने मजबूरी मुझे करना पड़ेगा। तो कोई नहीं गाइस हम लोगों ने तगड़ा वेपन हमारे हाथ में लग ही गया है, तो क्यों ना इसे हम टेस्ट करें। एंडर ड्रैगन को मारेंगे पर अभी स्टॉर्म वर्ल्ड में जाने के लिए टाइम नहीं है। हम क्या करते हैं विदर को स्पॉन करते हैं और विदर को टेस्ट करते हैं विदर कितना, और विदर को स्पॉन करने में मुझे लगेगा सोल सैंड की सोल क्या लगता है। रुको एक बार मैं देख के आता हूँ, देख लिया कि उधर को स्पॉन करने सोल सैंड लगता है। इस आयरन की मुझे कोई जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास आ गया है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, तो हट। और मुझे लगेंगे ये विदर स्कल्स जिससे मैं कर पाऊंगा विदर को स्पॉन। तो गाइस आर यू रेडी गाइस ऐसा और ये हो गया। अरे विदर स्पॉन क्यों नहीं हुआ, स्पॉन हो जा। तो गाइस सॉरी मुझे 3 दिन स्पेल लगाने हैं, मैं देखने को गया और ये लास्ट वन
ओ गाइस इधर स्पॉन हो गया है, भागो इधर से, मुझे तो डर लग गया। हिल क्यों नहीं रहा? अरे हिल क्यों नहीं रहा, भूल गया क्या? फटने वाले फटने वाले फटने वाले फटने वाले हैं। ओ फट गया गाइस, मैं इसको अटैक करने वाला हूँ। 3 2 1, अरे अटैक लगा ही नहीं इसको तो। 3 2 1, जो की एक्सपी देखो कितनी तेज गई है। ओ गाइस अभी तो बहुत, 3 मिनटों में ही मर जाएगा गाइस, ये तो अभी तो बहुत ईजी है गाइस। इस पे स्वॉर्ड भी लग गया तो हम चेक कर लेते हैं इसको, हम ऐसा हाथ से मारने तो कितना टाइम जाता है। इसकी एक्सपी कितनी तेज जा रही है देखो तो जरा। अरे बात किधर रहा है, इधर तो आज बचने नहीं वाला, इधर तो इधर तो इधर की विदाई हो गई। विदर तो इस वेपन के सामने खिलौना बन गया था। ये वेपन कितना ओपी है गाइस, मैं तो फैन हो गया था उसका। धन्नो और मिचन की तरह, मुझे धन्नो और मिचन से मिलना है कुछ भी करके, उनके मुझे थैंक्स बोलना है इसके लिए। वो इधर ही होंगे ना शायद से, शायद से इधर ही होने चाहिए वो, मुझे देख क्यों नहीं रहे गाइस। ये देखो, अरे भाई साहब विदर का स्कल है ये, अभी तक हवा में उड़ रहा है भाई साहब। अबे ये ऐसा कैसा हो गया, ये विदर का स्कल। ओ भाई साहब इसको कौन से नशे हो गए भाई साहब। ऐसा आपने कभी देखा है क्या गाइस, लाइफ में ऐसा आपने कभी देखा है क्या? ऐसा कंटेंट आपको बस सैपेज मिलेगा, सब्सक्राइब कर। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये बस एक कोइंसिडेंस है। ये मतलब टकराया नहीं है, अब ये टकराएगा इधर तब ये फूट जाएगा, पर मेरे पास इतने टाइम नहीं इसको टकराते देखते, तो मैं क्योंकि आपको पता है मुझे धन्नो, मैंने तुझसे पहले खा था कि तुझसे तू तू एंड्रो के तुझसे मैंने पहले खा था, पर आज से तू मेरी है, तुझसे मैं बहुत प्यार करता हूँ धन्नो। धन्नो थैंक यू, थैंक यू, तेरे वजह से मैंने मुझे ये इतना एपिक वेपन मिल गया, जिससे कि मैंने देखकर वो एक इसमें इस रैबिट पर टेस्ट करूँ क्या मैं? 3 2 1, अरे लगा ही नहीं। तो गाइस रैबिट की तो श्रद्धांजलि हो गई, कोई नहीं। तो धनु थैंक यू, आई एम बिग फैन सर, सर बिग फैन, सॉरी सॉरी बिग फैन मैडम, मैडम बिग फैन। हम लोग काम करते जल्दी से मीचैन से भी मिल लेते हैं। ओ मेरी मीचैन, ओ मेरी, अरे क्या हो रहा है ये, ओ मेरी मीचैन, अब ले 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 मेरी मीचैन, कितनी प्यारी प्यारी मीचैन। तेरे लिए मैं एक अच्छा सा घर बनाता हूँ, देखा देख, स्टोन से तेरे लिए मैं घर बनाता हूँ। और ये तेरा, मुझे मालूम है दिख से तो तुझे लेने नहीं आएगा वापस, क्योंकि वो तो बहुत लापरवाह है, पर तेरी परवाह बस तो मैं ही करता हूँ तेरे लिए। देख मैंने एक किला बना दिया नीचे अंकू पर, तू 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 आज इसमें रहेगी, ये तेरा किला है आज से। कितना अद्भुत किला बना है ना गाइस, इतना किला तो भाई साहब ताजमहल भी शर्मा जाए इसके सामने। और धन्नो के लिए भी मैं किला बनाऊंगा, ये धन्नो के लिए भी मैं किला बनाऊंगा, धन्नो के लिए तो भाई साहब मैं तो लग्जरी किला बनाऊंगा, क्योंकि धन्नो ने ही मुझे कहा था कि वो विक्स और एंड्रू गांव में रहते हैं, और विक्सु और एंड्रू के गांव से मैंने वेपन चुराया है। धन्नो तेरे लिए भी मैंने एक किला बना दिया, ये धन्नो खुश हो गई। देखो गाइस धन्नो हंस रही है ना, धन्नो कुछ नहीं गाइस, धन्नो वाला वो दिखा रही है कि वो आया पर हंस रही है वो। तो गाइस देखो मैंने बोला था कि मैं आज एंड्रो ड्रैगन को मारूंगा, पर मेरे हाथ में ये कितना एपिक वेपन लग गया है, जिससे एंड्रो ड्रैगन को जल्दी टिक नहीं पाएगा मेरे सामने, पर मैंने आज मारा विदर को, और एंड्रो ड्रैगन को मैं नेक्स्ट एपिसोड में पक्का मारूंगा, मतलब 100% लिख के देते मैं एंड्रो ड्रैगन को मारूंगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए ना, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, या फिर कुछ नहीं कर, या फिर कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आपको क्या ही कर सकता हूँ। सब्सक्राइब करो और जल्दी से मुझे 1K तक पहुँचा दो, बिकॉज 1K इज वेरी क्लोज। और अगर ये वीडियो एंड्रू और पिक से देख रहे हैं तो आई एम ए वेरी बिग फैन सर, मतलब मुझे मालूम नहीं हो दोनों भी वीडियो देखेंगे कि नहीं, पर देख लिया तो मतलब क्या ही बोलूँ, मेरा सपना से का सपने का सपना पूरा हो जाएगा। और हाँ, दैट्स इट फॉर टुडे, और सी या।